चुनाव नजदीक हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के नेता ने अपना पर्चा भरा है और जबरदस्त भीड़ थी जब वो नामांकन के लिए पहुंचे तो उनके साथ उनके समर्थकों का काफिला चला। सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगते रहे। टोंक सीट से सचिन पायलट ने पर्चा भरा है और उसके बाद उन्होंने क्या कहा सुनिए। क्या लगता है टोंक में इस बार, पिछली बार 54,000 रहा था, इस बार मुझे लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी की मजबूत जीत होगी। मैं नहीं जानता भाजपा का कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन जो विकास का हम लोगों ने कराए हैं, जो अमन चैन की यहाँ पर कई मिसाल बिछाई है, मुझे लगता है लोग खुश हैं, मतदाता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। पिछली बार आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आए थे, इस बार MLA के रूप में आए हैं, क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? कांग्रेस में कभी कोई उम्मीदवार CM का कोई घोषित नहीं होता, हमेशा बहुमत आने के बाद विधायक तय करते हैं और पार्टी का लीडरशिप तय करती है कि कौन नेता बनेगा। अब तो हम सब चुनाव लड़ रहे हैं बहुमत लाने के लिए। अच्छा, ये चीज जानना चाहूंगा, ये लोग जो ये नाचते गाते आई लव यू नारे लगाते हैं, ये क्या क्या विटामिन है इनका, क्यों आते हैं आपके पास? ये मेरा विटामिन है, लोगों का प्यार है और जो भावना है, जो जोश है, मैं समझता हूँ हर राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए ये संजीवनी होता है और सालों की काम और मेहनत को देखकर लोगों ने मन मनाया है। मैं बहुत मैं समझता हूँ ये जनता का जो प्यार है ये सबसे बड़ी पूंजी है राजनीति, और पब्लिक ने जो काम देखा है उसके आधार पर लोग नेताओं को पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि सचिन पायलट को भगवान ने नवाजा है, ऐसा क्या किया जो इस तरह से लोग पागल हैं? ये सब लोगों का संबंध है और संबंध बनाने से बनते हैं, ताली दो हाथ से बजती है। हमारे कार्यकर्ता लोगों के लिए हम दुख सुख में 24 घंटे खड़े रहते हैं और हमारे दुख सुख में वो खड़े रहते हैं, तो ये संबंध नाते बनाने से बनते हैं और ये नौजवानों में जो जोश है मैं समझता हूँ ये हम सबकी सबसे बड़ी ताकत है। वहाँ पर दिल्ली में टिकट के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रंधावा जी, डोटासरा जी वहाँ है, आप यहाँ नॉमिनेशन भर रहे हैं। समुद्र जैसा, समुद्र जैसा उत्साह है लोगों में, ये टिकटों को लेकर जो मीटिंग हो रही है आप यहाँ हैं? वो पार्टी का काम है, जो सुझाव मुझसे मांगे थे मैंने सुझाव दिए हैं। मैंने हमेशा कोशिश करी है कि नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, जो लोग जनता के बीच बहुत लंबे समय से रह गए अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ ये पार्टी का निर्णय है अंतिम किसको टिकट दिया जाएगा, जिसको भी टिकट मिलेगा पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे।